हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज आपको बताऊंगी कि ये हम गर्मियों में फूलने वाली है लताएं हम कब लगा सकते हैं, कौन कौन सी लताएं हम लगाएं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नाम तो यही है, मधुमालती। इसे आप इजीली लगा सकते हो। ये ट्रम्पेट वाइन टिकोमा जिसे कहते हैं, ये पर्पल कलर के फूल आते हैं इसमें। ये भी कटिंग से और सीड से दोनों से ग्रो हो जाती है टिकोमा। तो आप इसे भी, पर्पल टिकोमा है तो इसे भी आप लगा सकते हो, बहुत इजी आपके गार्डन में लग जाएगी। और इसके बाद में है ये मॉर्निंग ग्लोरी, ये ब्लू और इस समय पिंक है ये, और इसमें और भी कलर आते हैं, ये भी लगा सकते हो। और ये स्टार वाइन जिसे कहते हैं, साइप्रस वाइन कहते हैं, ये भी आप लगा सकते हो। ये भी इजीली बहुत चल जाती है, कटिंग से भी लग जाती है और उससे भी लग जाती है, सीड से भी। और एक ये भी है, ये वाइन, स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी लगा सकते हो। कितनी हालत बुरी कर दी है कैटरपिलर्स ने। और ये देखिए, ये भी है अपराजिता, ये इसमें कई कलर आते हैं, मैंने दिखाया ना आपको, मेरे पास वाइट भी है, पिंक भी है, और ये पर्पल है, मल्टी पेटल, सिंगल पेटल, बहुत ढेर सारी आती हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, ये भी, ये वाइट कलर की है, ये भी सीड से ग्रो हो जाती है, कटिंग से लग जाती है इजीली। रोज़ वाइन भी लगा सकते हो आप, ये पिंक कलर की रोज़ वाइन है। ये देखिए जहाँ जहाँ ये पहुँच रही है पिंक की मॉर्निंग ग्लोरी, हर जगह फूल दे रही है। क्या कॉम्बिनेशन है येलो और पिंक का। और बोगनविलिया भी लगा सकते हो, बहुत इजीली कटिंग से लग जाती है, आप लगाइए अपने गार्डन में, बहुत अच्छा लगते हैं। इसके फूल पूरे भरे रहती है, गर्मियों भर फूल देती है खूब गम जमा के। और ये कृष्ण बेल भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, ये भी खूब ढेर सारे फूल देती है, बहुत सुंदर कलर आते हैं इसमें। देखिए ढेरों बर्ड्स भी आई हुई हैं, फूल खिलने वाले भी हैं, कुछ खिल भी चुके हैं। इस ये देखिए, इसका ये वाला कलर है मेरे पास में, दिख रहा है आपको? बहुत तेज धूप हो रही है, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। और ये पर्पल कलर की है, तो इसमें मेरे पास ये तीन कलर हैं, ये पर्पल है, वो रेड है, ये रेड वाली है, तो ये तीन चार कलर हैं मेरे पास में। तो आप इन्हें भी लगा सकते हो इजीली, बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप इस तरह की बेलों को लगाइए आपके गार्डन में, एक तो छाया भी देंगे। मेरे पास प्रॉपर तरीका नहीं है इन्हें लगाने का, जो वाइन क्लस्टर जो आता है वो लगा दे तो उसमें आसानी से चढ़ जाती है, मेरे पास वो है नहीं। मैं धीरे धीरे सब कुछ अरेंज कर लूँगी, पर फिर भी आप लगाइएगा ज़रूर इस तरह से आप इन्हें अपने गार्डन में, है ना। और एक वाइन और है, तो कुछ पाइन मेरे पास हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नहीं है वो आपको वो भी आपको बता दूँगी। और ये देखिए, ये है, ये भी इजीली लग जाती है, ये भी टिकोमा है ऑरेंज कलर की, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे फूल आते हैं घंटी के आकार के, उसका पिक मैं आपको साइड में दिखा दूँगी तो वो देखिएगा। तो इस तरह की ढेर सारी पाइन अपने गार्डन में लगा लीजिए, जिसकी वजह से आपके गार्डन में छाया भी रहेगी, देख रहे हैं आप, इसकी वजह से थोड़ी छाया भी रहेगी और अच्छे भी लगेंगे आपके गार्डन में, फ्लावरिंग भी खूब होगी तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो आप ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में इस तरह की वाइन्स। कुछ और वाइन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो मेरे पास नहीं है, तो उनकी मैं पिक दे दूंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये मेरे सदाबहार कितने अच्छे खिल रहे हैं, खूब ढेर सारे फूल खिल रहे हैं इनमें। सदाबहार भी गर्मियों का सबसे अच्छा प्लांट होता है, सारे फूल खूब ढेर सारे देता है, ना कोई रिक्वायरमेंट, ना कोई खाद की ज़रूरत, बस पानी देते रहिएगा। और ये है फ्लेम वाइन, ये बहुत अच्छी लगती है, पूरे आपकी वॉल को कवर कर लेगी और बहुत सुंदर होते हैं फूल और बहुत प्यारी लगती है, आप इसे भी इजीली लगा सकते हो। ये है कृष्ण बेल, तो कृष्ण बेल में भी ये कितने ढेर सारे कलर आते हैं, तो आप उन्हें भी, उन वाइन को भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में, वो भी बहुत सुंदर लगती हैं। और ये टिकोमा तो मैंने बता ही चुकी हूँ मैं, इस कलर के फूल आते हुए उसमें, तो इन्हें भी आप लगा लीजिए यार, ईजीली बहुत सुंदर लगते हैं ये। और ये ब्लैक आई सुसन जिसे कहते हैं, ये भी आप लगा सकते हो, ये भी बहुत सुंदर लगती है, कई कलर में आती हैं। और ये थुनबर्गिया है, थुनबर्जिया जिसे कहते हैं, ये भी आप लगा सकते हो। ये मेरे पास काफ़ी बड़ी हो गई, बहुत छोटा सा प्लांट खरीद कर लाई थी तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है, इसके कई प्लांट मैंने तैयार किए हैं। इस तरह के फूल आते हैं इसमें पर्पल कलर के, बहुत खूबसूरत आते हैं, अंदर येलो डॉट होता है तो बहुत प्यारा लगता है, और इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, और पूरा ये भर जाती है बेल तो बहुत प्यारी लगती है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में इजीली लगा सकते हो, बहुत सुंदर वाइन होती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ना ज़्यादा फर्टाइजर की। तो आप, ये कुछ वाइन्स हैं जो गर्मियों में आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।